फ्रेंड्स, लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोग खाने पीने से लेकर अदर्स जो जरूरतें हैं उनके लिए भी हम लोग को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार द्वारा फ्री राशन कार्ड का एप्लीकेशन जारी करने के लिए दरखास्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन कैसे राशन कार्ड का अप्लाई कर सकते हो और राशन कार्ड का उपयोग से आप फ्री में राशन कैसे पा सकते हो, तो फिर चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जनता समाज जो एक तो वेबसाइट है उसको आपको गूगल में सर्च करनी है, और सर्च करने के बाद आपको वेबसाइट चल जानी है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आपको यहाँ पर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना जो मोबाइल नंबर है उसको डायल करनी है। अब मोबाइल नंबर डायल करने के आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, तो आपको उस OTP को आपके मोबाइल में डाल देनी है यहाँ पर। और OTP को डालने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। तो मैं यहाँ पर OTP अपना डाल देता हूँ और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे में कंटिन्यू पर क्लिक करनी है और आगे बढ़ जानी है आपको। उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको पूरा फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले जो ऊपर में दिया गया है उसके आपके फैमिली के जो मुखिया है उनको आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो फैमिली मुखिया आपको लेडीज़ को देना है, लेडीज़ का कोई नाम और यहाँ पे आपको आधार कार्ड और अदर्स ये क्या आपका लगता है वो देनी है, नाम, अदर्स, उम्र और यहाँ पे आधार कार्ड देनी है। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शनल जो दिया गया है यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है कि आपके रिलेशन में क्या लगता है। उसके नीचे आनी है और नीचे में भी आपका जो फैमिली मेम्बर है उनका यहाँ पर नाम देनी है, और नाम देने के बाद यहाँ पर एज का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे एज लिख देनी है। उसके बाद पास में आपको दिया गया है मेल और फीमेल, तो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार, तो यहाँ पे आधार नंबर देना है आपको। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ आपको उदाहरण के दिखाने के लिए। और ये आपको रिलेशन में क्या लगते हैं, सन, डटर या क्या लगते हैं आपको वो दे देनी है यहाँ पे। उसके नीचे और भी फैमिली मेम्बर का ऑप्शन आ रहा है, तीन यहाँ पे आ रहा है, तो और भी यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए एक का। यहाँ पे जो भी आपका फैमिली मेम्बर का नाम है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद उसको आपको एज डाल देनी है यहाँ पे। एज डालने के बाद आपको मेल या फीमेल चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल कर देनी है। मैं आधार नंबर की जगह यस कर देता हूँ कि आपका आधार नंबर है जो डाल देनी है। उसके बाद डटर, सन, क्या आपका जो भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है उसको उसमें से चूज कर लेनी है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है उसमें भी आपका फैमिली मेम्बर का है, तो आपका भी जो भी डटर सन का जो नाम है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और उनको यहाँ पर नाम दे देनी है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए और लिखने के बाद यहाँ पे एज उनका दे दीजिए। एज के बाद मेल फीमेल चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड या डटर या क्या आपका जो भी लग रहा है या आपके रिलेशन में उसको आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी है आपका जो विधानसभा या डिस्ट्रिक्ट जो भी पड़ता है यहाँ पे आप चूज कर लीजिए। जो भी यहाँ चूज कर लीजिए, विधानसभा चूज करने के बाद यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लीजिए। और उसके बाद आपका जो जगह जो भी है आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो जगह पड़ता है आपका उसको यहाँ पे चूज कर लेनी है। उसके बाद जो होगा नगर, जो भी आपका नगर या ग्राम पड़ता है तो उसको लोकेशन को चूज कर लेनी है। तो यहाँ पे चूज करके लिख लीजिए आपको यहाँ पर जो भी आता है आपको पूरा पता यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पिन कोड डालनी है, तो आपको यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दीजिए। आपका जो स्थान का जो पिन कोड है उसको यहाँ पर डाल देनी है। डालने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट कर देनी है, प्रोसीड कर देनी है। नीचे में टिक का ऑप्शन है उसको प्रोसीड कर देनी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ये दिखाने के लिए मैं दिखाया। उसका फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक OTP आएगा आपको मोबाइल पर, उस OTP पर आपको क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जानी है। तो फिर इस प्रकार से आपका ये प्रोसीड हो गया। उसके बाद आपका एक फॉर्म आएगा और फॉर्म आने के बाद आपको उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको मोबाइल पर जो OTP आएगा तो उस OTP पर क्लिक करेंगे और लिंक पे, और आपके मोबाइल पर एक जो आपका टोकन आ जाएगा उस टोकन को आपके PDF में डाउनलोड करके इस PDF से आपको यहाँ पर चूज कर लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स, और चूज करने के बाद आपको PDF से वो आपको जो वहाँ पे जाए राशन जाकर राशन दुकान से आप राशन उठा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में जाना कि किस प्रकार से आप रेशन कार्ड का अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन और अपने दिल्ली राज्य में किस प्रकार से राशन को उठा सकते हो। तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए और ऐसे ही ट्रस्टेड नॉलेज वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद।